2021 महिंद्रा स्कॉर्पियो के प्रोडक्शन रेडी टॉप वेरिएंट्स को एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पाई किया गया, लेकिन इस बार हमें इसके एलॉय व्हील्स और हेडलैम्प्स के बारे में नई डिटेल्स पता चली हैं, जिनके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप स्कॉर्पियो और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपैरिजन रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर राइट बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर 2021 महिंद्रा स्कॉर्पियो के टॉप वेरिएंट्स की नई स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप 2021 स्कॉर्पियो के टॉप वेरिएंट की साइड प्रोफाइल को देख सकते हैं, जहां पर पहली बार हमें इसके टॉप वेरिएंट के एलॉयज इतने क्लियरली दिखे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी स्कॉर्पियो के टॉप वेरिएंट्स को स्पाई किया गया था उनके एलॉयज कैमोफ्लाज होते थे और डिजाइन में ये एलॉयज काफी बढ़िया लग रहे हैं। अगर इनके साइज की बात करूं तो ये 17 इंच के होने वाले हैं। इसके एलॉयज के अलावा आप स्कॉर्पियो की ओवरऑल प्रोफाइल को भी देख सकते हैं, जो कि एक प्रॉपर लैडर ऑन फ्रेम एसयूवी वाली लुक्स हैं। इनफैक्ट इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी शायद से 200 मिलीमीटर की हो सकती है, जिसके कारण ऑफ रोडिंग में काफी मदद मिलेगी। चलिए अब इस स्पाइड स्कॉर्पियो की दूसरी इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इसके फ्रंट क्वार्टर को देख सकते हैं, जहां पर इस स्पाइड मॉडल में प्रोडक्शन रेडी पार्ट्स फिटेड थे, जैसे कि डबल बैरल हेडलैम्प्स, 7 स्लैट ग्रिल, फ्रंट लोअर मेश ग्रिल, जो कि मिलके ओवरऑल इसकी फ्रंट ग्रिल और प्रोफाइल को एक स्पोर्टी स्टांस देते हैं, जो कि करंट जनरेशन स्कॉर्पियो से ज्यादा फीचर्स ऑफर करेगी। तो ये तो होगी 2021 स्कॉर्पियो के एक टॉप वेरिएंट की स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब दूसरे टॉप वेरिएंट की स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप 2021 स्कॉर्पियो के फ्रंट एंड को देख सकते हैं, जहां पर इसको डबल बैरल हेडलैम्प्स विद इंटीग्रेटेड डुअल फंक्शन एलईडी डीआरएस मिलेंगे। ये एलईडी डीआरएस इसके टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करेंगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख ही सकते हैं। अब देखना ये होगा कि ये एलईडी इंडिकेटर्स डायनामिक स्वाइपिंग पैटर्न में आएंगे या फिर ब्लिंकर्स के फॉर्म में। इन फीचर्स के अलावा आप इसके बूमरैंग शेप एलईडी फॉग लैंप्स की भी एक झलक देख सकते हैं। इस स्पाइड स्कॉर्पियो की एक और फ्रंट एंड से जुड़ी इमेज है, और इस इमेज में आप इसके फ्रंट एंड को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, जहां पर इसकी हेडलैम्प्स के अंदर का डिजाइन भी दिख रहा है, जहां पर एक बैरल में प्रोजेक्टर सेटअप मिलेगा और दूसरे में रिफ्लेक्टर सेटअप, और शायद से इस टॉप वेरिएंट में हमें एलईडी हेडलैम्प्स भी मिलें। तो ये तो होगी 2021 स्कॉर्पियो की नई स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। नई स्कॉर्पियो में हमें पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिनमें से एक इंजन होगा 1.5 लीटर एम स्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 163 पीएस की पीक पावर और 280 एनएम का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं, और दूसरा इंजन होगा 2.2 लीटर एम हॉप टर्बो डीजल इंजन, जो कि 156 पीएस की पीक पावर और 360 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स मिलेगा। तो ये तो होगी 2021 स्कॉर्पियो के एक्सपेक्टेड इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। नई स्कॉर्पियो में हमें एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएस, एलईडी टेल लाइट्स, कॉर्नरिंग लैंप्स, एलईडी फॉग लैंप्स, 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, शार्क फिन एंटीना, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 10 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक, रिमोट कमांड्स, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमेटिक एसी, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, मैनुअल डे नाइट IRVM, डिजिटल MID, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, इको सेंस एप्स, सेकेंड एंड थर्ड रो AC वेंट्स, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, कूल ग्लव बॉक्स, ड्राइव मोड्स, टेरेन मोड्स, फोर व्हील ड्राइव सिस्टम, रेयर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर वाले फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी में नई स्कॉर्पियो में हमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा विद डायनामिक असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स,
वीकर स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई 2021 स्कॉर्पियो के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइजेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। महिंद्रा नई स्कॉर्पियो को 11 लाख से 17 लाख के बीच प्राइस कर सकती है और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च 2021 के सेकेंड क्वार्टर में है और लॉन्च होने के बाद ये 2021 महिंद्रा XUV5W, टाटा हैरियर, टाटा सफारी, 2021 हुंडई क्रेटा 7 सीटर और जीप कंपस फेसलिफ्ट के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग 2021 महिंद्रा स्कॉर्पियो से जुड़ी एक और अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।